नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश पठानिया और आप देख रहे हैं एक्टिव न्यूज। सभी वाम पार्टियों के आह्वान पर जिला चंबा में सीपीआईएम व सीपीआई ने संयुक्त रूप से नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। रैली के बाद जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर जनता को संबोधित करते हुए माकपा जिला सचिव नरेंद्र ने कहा कि ये सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जनता को भटका रही है। दरअसल ये बिल संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। संविधान के तहत धर्म आधारित नागरिकता नहीं दी जा सकती। बिल मुस्लिम समुदाय की खिलाफत करता है। देश में अन्य मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, महिला हिंसा, गिरता रुपया, गिरती जीडीपी से देश की जनता का ध्यान भटकाकर सरकार जानबूझकर ऐसा माहौल तैयार कर रही है कि लोग कुछ और सोच ना पाए। माकपा राज्य कमेटी सदस्य सुदेश ने कहा कि ये कानून देश के इतिहास में काले कानून के नाम से जाना जाएगा, जिसका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। पेश है इस संबंधी चंबा से हमारे सहयोगी राजेंद्र ठाकुर की एक रिपोर्ट। सुदेश, सीपीआईएम चंबा कमेटी मेंबर और राज्य कमेटी मेंबर, आज का जो हमारा ये प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन हमारा आज पूरे देश के अंदर जो लेफ्ट पार्टीज हैं वो सरकार केंद्र की जो लाई है, जो जिसको हम काला कानून कहेंगे, जो नागरिकता संशोधन बिल और आज जो कानून बन गया है उसके विरोध में हम ये कर रहे हैं। और हम इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं कि ये जो कानून सरकार लाई है, ये कानून देश के नागरिकों को धर्म के आधार पर बांटता है। और इन्होंने इस बिल में एक विशेष धर्म को, उसमें जो मुसलमान हैं उनको, मतलब बड़े साजिश के तरीके से इन्होंने बाहर रखा है। बाकी सभी को नागरिकता दी जाएगी, उनमें उनका नाम नहीं है। और देश के गृह मंत्री संसद में ये कहते हैं कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। मतलब उनके बोलने का मतलब है कि उनको डरने की जरूरत है। उन्होंने अपने जो वक्तव्य है उसके उससे ही साफ कर दिया कि किस तरह से उनका जो मंशा है देश के अंदर लोगों को धर्म के आधार पर बांटने की है। तो हम जो सीपीआईएम है, आज सीपीआई और सीपीएम चंबा के अंदर हम प्रदर्शन कर रहे हैं और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। हम ये कहते हैं कि ये जो है देश का जो हमारा संविधान है उसकी मूल भावना के खिलाफ है, जिसका सीपीआईएम लेफ्ट पार्टी जो है विरोध करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि इसको जो है तुरंत सरकार रद्द करे, इसको वापस ले, और नहीं तो आने वाले समय में इसके खिलाफ और आंदोलन होगा। और एक और बात हम कहना चाहते हैं कि देश के अंदर जो इसका विरोध जो है छात्रों ने किया, दिल्ली में हम देखते हैं जामिया विश्वविद्यालय में या दूसरे जो विश्वविद्यालय, सारे देश के अंदर विश्वविद्यालयों के अंदर जो है वो छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। किस तरह से उसको कुचलने का देने का काम दिल्ली पुलिस ने सरकार के इशारे के ऊपर किया है, जो निंदनीय है। और इस तरह का जो है ये जो दंगे कराने का जो सरकार की मंशा है, इसको कहीं पे भी सहन नहीं किया जाएगा देश के अंदर। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं।